दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बॉयज के अंदर या मैन के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम क्यों होता है, स्पेशली मोटे लोग के अंदर। तो सबसे पहले जान लो कि जो टेस्टोस्टेरोन होता क्या है। तो टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो टेस्टिस से सिक्रीट होता है। फिर ये टेस्टोस्टेरोन ब्लड के अंदर ये बाइंड करता है, एक ब्लड में प्रोटीन होता है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एसएचबीजी से बाइंड करके ये ब्लड में सर्कुलेट करता है। मोर देन 99.8% ये बाउंड फॉर्म में सर्कुलेट करता है और केवल 0.2% या उससे भी कम फ्री प्लाज्मा सर्कुलेट करता है। ये फ्री जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं फ्री टेस्टोस्टेरोन, और जो टोटल बाउंड प्लस फ्री पार्ट होता है उसे बोलते हैं टोटल टेस्टोस्टेरोन। तो जब भी ब्लड में टेस्टोस्टेरोन कमी होती है, कई वजह सोचता है वो, या तो टेस्टिस के अंदर डिफेक्ट हो, टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनाने की कैपेसिटी कम हो, या ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड में LH-FSH हार्मोन होते हैं जो कि टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं टू मेक टेस्टोस्टेरोन, उसमें कोई कमी हो, या पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ब्रेन में, वहाँ से निकलता है प्रोलैक्टिन हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, या ब्रेन में ही पिट्यूटरी के ऊपर हाइपोथैलेमस होता है, वहाँ से कुछ GnRH हार्मोन कमी उसे होता है, या कुछ अल्कोहल ले, लीवर खराब हो, किडनी खराब हो, या कितने बार स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस डिप्रेशन में भी ब्रेन में हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। फिर एज रिलेटेड होता है एंड्रोपॉज, उम्र के साथ साथ टेस्टिस से उसका टेस्टोस्टेरोन बनाने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाता है। तो कई कारण होते हैं, तो आज हम बताएंगे कि मोटापे में टेस्टोस्टेरोन कैसे कम होता है। तो आप सब जान लो कि मोटे लोग के अंदर फैट सेल बहुत ज़्यादा होती है, उसके साथ साथ मोटे लोग के अंदर एक हार्मोन होता है SHBG, वो थोड़ा घट जाता है। तो मोटे लोग के अंदर टेस्टोस्टेरोन क्यों कम होता है, स्टडी में देखा गया है करीब 30-40% मोटे लोग के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम पाया गया है। तो सबसे पहले जाएं नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या होता है। तो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन होता है 240 mg से लेकर के 800 ng/dL, ये नॉर्मल होता है। पर अधिकांश यंग मेन के अंदर टेस्टोस्टेरोन 400 के ऊपर होता है। सिमिलरली फ्री टेस्टोस्टेरोन जो कि एक्टिव, आप जान लो टोटल टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बाउंड टेस्टोस्टेरोन टू SHBG प्लस फ्री टेस्टोस्टेरोन, दोनों मिलाकर होता है। तो कई कंडीशन होती है जिसमें कि SHBG कम होता है, जिसकी वजह से टोटल टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाता है, पर फ्री पार्ट, ये फ्री पार्ट प्लाज्मा में सर्कुलेट करता है, यही टिश्यू का डिस्ट्रीब्यूट होता है। बाउंड वर्क्स ए स्टोर, तो अगर किसी को ब्लड में SHBG प्रोटीन कम हो जाएगी तो बाउंड टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, पर फ्री जो 2% फ्री होता है वो फ्री नॉर्मल रहेगा, तो टिश्यू को टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी फील नहीं होगी। तो जब भी किसी का टोटल टेस्टोस्टेरोन बिलो 240 होता है तो हम लोग फ्री टेस्टोस्टेरोन चेक करते हैं। अगर टोटल टेस्टोस्टेरोन भी लो है और फ्री टेस्टोस्टेरोन भी लो है तो डायग्नोसिस बनता हाइपोगोनेडिज्म। ठीक है, हाइपोगोनेडिज्म मतलब टेस्टोस्टेरोन कमी। अब टेस्टोस्टेरोन कमी क्यों हो रहा, अगर LH-FSH डाउन है तो ये पिट्यूटरी कारण हो गया, हाइपोथैलेमिक कारण हो गया। LH-FSH अप है तो टेस्टिकुलर डिफेक्ट हो गया, और LH-FSH नॉर्मल है और टेस्टोस्टेरोन लो है तो ये आपका सेकेंडरी हो गया हमारा, ड्यू टू मोटापे की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, अल्कोहल की वजह से, या एंड्रोपॉज की वजह से। तो आज मोटापे के बारे में और डिटेल बात करते हैं हम लोग। तो मोटापे में कई ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाता है। सबसे पहले कहता है मोटे लोग के अंदर सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन लो पाई जाती, कम पाई जाती है, जिसकी वजह से टोटल बाउंड टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। बट स्टडी में देखा गया कि अक्सर इनके अंदर फ्री टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल रहता है। तो अगर टोटल टेस्टोस्टेरोन लो है और फ्री टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है तो कोई चिंता की बात
नहीं है, बट अगर दोनों लो हैं तो बॉडी को टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी सिम्टम आएंगे, जैसे कि वीकनेस, बॉडी पेन, मोर फैट अराउंड अब्डोमेन एंड अराउंड हिप्स, देन लो सेक्स डिजायर, लो इरेक्शन क्वालिटी, लो एग्रेसिवनेस, जो मेल के फीचर होते कि मोर कॉन्फिडेंट, मोर एग्रेसिव, तो ये सब फीचर कम हो जाते हैं। सिमिलरली अगर टेस्टोस्टेरोन डाउन रहेगा तो ब्लड के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के फ्यूचर में डायबिटीज, हार्ट का खतरा भी बढ़ जाता है, बोन वीक होती, तो कई फीचर होते हैं। तो मोटे लोग के अंदर एक तो SHBG कम होता है, दूसरा मोटे लोग के अंदर फैट सेल के अंदर एरोमेटेज एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जो कि टोटल टेस्टोस्टेरोन को ये ईस्ट्रोजन यानी फीमेल हार्मोन कन्वर्ट कर देता है, तो जितना ज़्यादा कन्वर्जन होगा तब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम आएगा। थर्ड क्या होता है कि मोटे लोग के अंदर इंसुलिन लेवल हाई होता है, यानी उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। मोटे लोगों के क्या होता है, कई लोगों के अंदर मसल्स के अंदर, लीवर के अंदर इंसुलिन काम कम करता है। जब इंसुलिन मसल में लीवर काम कम करेगा तो बॉडी विल हैव टू मेक मोर इंसुलिन टू कीप ब्लड शुगर नॉर्मल, जिससे इनके ब्लड में इंसुलिन ज़्यादा होता है, इसे बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी टेस्टोस्टेरोन कम होता है, तो कई वजह से मोटे लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम होता है। साथ ही देखा कि मोटापे के लोग स्ट्रेस डिप्रेशन शिकार हो जाते कितने बार, जिससे भी टेस्टोस्टेरोन डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड में GnRH एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसके वजह से टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। सिमिलरली फिफ्थ कारण क्या होता है, मोटे लोग के अंदर क्या होता है कि टेस्टिस के अराउंड बहुत फैट हो जाता है, जिससे टेस्टिस के टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब भी टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वहाँ टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो ये भी एक लो स्पर्म लो टेस्टोस्टेरोन का कारण है। तो अगर किसी मोटे लोग टोटल टेस्टोस्टेरोन डाउन है एंड फ्री टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है, तो कोई चिंता की बात नहीं, सिंपली ओबेसिटी इंड्यूस्ड है, आगे फर्दर कोई टेस्टिंग या ट्रीटमेंट जरूरत नहीं है। और अगर फ्री टेस्टोस्टेरोन प्लस टोटल टेस्टोस्टेरोन दोनों डाउन है तो उनको टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट लेना पड़ेगा टाइमिंग के लिए, अलॉन्ग विद दैट उनको वेट लॉस के लिए पूरा एफर्ट करना पड़ेगा, उनको एक्सरसाइज करना पड़ेगा मोर देन 1 आवर। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, इंसुलिन का असर बढ़ जाता है, ब्लड में SHBG घटता है, फैट सेल घटता है, जिससे टोटल टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। स्टडी में देखा गया है कि जस्ट 1 आवर एक्सरसाइज करने से मोर देन 50% मोटे लोग का टेस्टोस्टेरोन जो पहले लो था वो नॉर्मल हो जाता है। उसके साथ साथ उनको अगर उनके ब्लड में इंसुलिन ज़्यादा है तो इंसुलिन कम करने के लिए मायोनेसिटॉल या मेटफॉर्मिन टैबलेट देते हैं, जिससे इंसुलिन का लेवल घटता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। उसके बाद वेट कम के लिए उनको दवा देते हैं हम लोग, हमारे पास गार्सिना एक्सट्रैक्ट होता है जो आयुर्वेदिक टैबलेट होती है, जो बॉडी फैट टेंडेंसी करता है, फैट बर्न में हेल्प करता है, अलॉन्ग विद ऑर्ली स्टैट देते हैं जो वेट कम करता है, वेट लॉस की कई ड्रग्स होते देते हैं उससे वेट कम करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज, वेट कम के लिए दवाएँ, अलॉन्ग विद डाइट में इनको क्या करते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट कम करते हैं, प्रोटीन बढ़ाते हैं, हेल्दी फैट बढ़ाते हैं, ऑलिव ऑयल, सरसों तेल, ग्राउंडनट, नट्स, बैड फैट लाइक सैचुरेटेड फैट घटाते हैं, जिससे उनका वेट कम होता है। फिर उनको हम लोग लो कैलोरी डाइट देते हैं, कभी कभी कीटोजेनिक डाइट से भी वेट कम करते हैं। तो इनका एक्सरसाइज, डाइट, मेडिसिन से वेट कम होने के बाद इनका टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट की जरूरत बंद हो जाती है, और विद इन 3 to 6 months अधिकांश का वेट कम हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल परमानेंट ठीक हो जाता है बिना किसी दवा के। तो आई होप ये अंडरस्टैंड करें कि मोटापा अपने आप एक टेस्टोस्टेरोन कम करने का इंपॉर्टेंट कारण है। तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम है तो अपना लाइफस्टाइल बदल के, जैसे बताया मैंने, आप वेट कम करिए, आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल आ जाएगा। अगर फिर भी ठीक ना तो अदर कारण जो बताया उसको कारण इन्वेस्टिगेट करके उसको ठीक करना पड़ेगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।